जब तक जीवन में श्री बांके बिहारी जी की कृपा नहीं होती, भागवत कथा करवाना तो बहुत दूर, भागवत कथा को आप सुन भी नहीं सकते। बोलो राधे राधे। जब तक वो कृपा नहीं करते तब तक प्रवेश भागवत कथा में नहीं मिलता। हमारे वृंदावन में कहते हैं, लोग कहते हैं कथा में आना बड़ी बात नहीं, कथा में सब आते हैं। ध्यान से सुने, ये लोग कहते हैं कथा में आना बड़ी बात नहीं, कथा में सब आते हैं। हमारी औकात क्या जो हम कथा में जाएं? कथा में वो आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। कई बार लोग कहते हैं, अरे महाराज ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, जब मन बनाए तब जा सकते हैं। गलत। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। आप विश्वास मानना, मित्तल परिवार में जो भागवत कथा आज शुभारंभ हो रही है ना, कई लोगों को आपने ग्रुप में मैसेज डाला होगा, कई लोगों को कार्ड भेजे होंगे, स्पेशली कॉल भी किए होंगे, लेकिन सब आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ, विचार तो करते हैं, वो भी जब फोन जाएगा या कार्ड जाएगा तो विचार करेंगे, अरे मित्तल परिवार से आमंत्रण आया है तो जाना चाहिए, चलो आज तो पहला दिन है, कल देखते हैं। कल गाड़ी लेके निकले, कोई इमरजेंसी कॉल आया, वापस जाना पड़ा। सोचते सोचते सात दिन कब निकल गए पता नहीं चला, लेकिन कथा में सम्मिलित नहीं हो पाए। संत कहते हैं कि इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, और कथा में वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। तो ये उनकी कृपा है जो आप यहां बैठे हैं।